दोस्तों हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें उसके लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट के वेब पेजेस को खोल ही नहीं सकते। बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर सकते। कोई भी वेब पेज खोलना हो, कोई भी वेबसाइट खोलना हो, तो हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों ब्राउज़र दोस्तों बहुत सारे हैं। अब इनमें से है गूगल क्रोम, विवाल्दी, ओपेरा या फिर मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स। तो कौन सा दोस्तों ब्राउज़र अच्छा है? तो आज ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन सा ब्राउज़र अच्छा है। तो दोस्तों मेरा नाम शांतनु है और द एच एंड उपचार में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों गूगल क्रोम एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है दोस्तों। खासकर ये बहुत ही फास्ट है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्राउज़र है। मुझे बाकी ब्राउज़र को तो नहीं पता क्योंकि मैं बाकी जो जितने भी ब्राउज़र हैं उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। एंड्रॉयड हो या पीसी, मैं गूगल क्रोम का ही यूज़ करता हूँ। लेकिन दोस्तों गूगल क्रोम हमारे डाटा को या हमारी हिस्ट्री को ट्रैक करता रहता है। गूगल में प्राइवेसी नामी कोई चीज़ नहीं है। गूगल क्रोम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं, जो भी वेब पेज खोल रहे हैं, वो आप ही खोल रहे हैं, कोई और उसे देख नहीं रहा। तो गूगल क्रोम में प्राइवेसी नामी कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों। वो फास्ट ज़रूर है पर गूगल क्रोम जो है बिल्कुल भी प्राइवेसी से लैस नहीं है। अगर आप कोई वेब पेज खोलते हैं और मान लीजिए आपने amazon.in खोल लिया, amazon.in में आपने कुछ लैपटॉप देखे या फिर कोई भी प्रोडक्ट देखा, तो किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर वो आप खोलते हैं तो आपको वही प्रोडक्ट की एड देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि गूगल क्रोम जो है हमारे डाटा को और हमारी हिस्ट्री को ट्रैक करता रहता है। इस वजह से ऐसा होता है। अब जो प्रोडक्ट हमने देखा है amazon.in में वो तो दूसरी वेबसाइट में भी हमें दिखता है। और ज़्यादातर मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है और ज़्यादातर आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा अगर आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं तो। क्योंकि बाकी ब्राउज़र डाटा को ट्रैक करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूसरे ब्राउज़र का यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं गूगल क्रोम का ही यूज़ करता हूँ। दोस्तों ऐसे में प्राइवेसी नामी कोई चीज़ नहीं है गूगल क्रोम में। और अगर आपको एक अच्छा ब्राउज़र यूज़ करना है तो यहाँ पर कोई ब्राउज़र अच्छा नहीं है। यहाँ पर सबके सब ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम की अगर मैं बात करूँ तो गूगल क्रोम जो है बिल्कुल प्राइवेसी वाला ब्राउज़र नहीं है। दूसरे ब्राउज़र का मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों अब आपको एक अच्छा ब्राउज़र चाहिए जो कि आपकी प्राइवेसी को बनाए रखे, यानी कि आप कोई भी वेब पेज खोलें तो मतलब आपको कोई ट्रैक ना कर रहा हो, आपको कोई मतलब फॉलो ना कर रहा हो, आपकी हिस्ट्री, आपका डाटा, मतलब कोई भी ट्रैक ना कर रहा हो। आप जो वेब पेज खोल रहे हैं सिर्फ आप ही खोल रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी उसे देख ना रही हो, तो ऐसे में दोस्तों आप डकडक गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। डकडक गो जो है बहुत अच्छा ब्राउज़र है एंड्रॉयड के लिए। दोस्तों एंड्रॉयड में ये ब्राउज़र आता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिससे आप सीधा विजिट कर सकते हैं प्ले स्टोर के लिंक पर। और डकडक गो दोस्तों बहुत बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो जो कि एक बहुत फास्ट ब्राउज़र है, उसमें आप डकडक गो का एक्सटेंशन डाल सकते हैं ताकि आप डकडक गो का इस्तेमाल कर सकें गूगल क्रोम में भी। दोस्तों डकडक गो में प्राइवेसी है पूरी तरह से। आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो आपके डाटा को ट्रैक बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है और पूरी तरह से प्राइवेसी है इसमें। पूरी तरह से आप जो भी यूज़ करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, जो भी वेब पेज आप सर्च करते हैं, जो भी मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करते हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं, तो कोई भी आपको ट्रैक नहीं करेगा, ना ही आपकी हिस्ट्री को कोई ट्रैक करेगा। तो दोस्तों डकडक गो एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है एंड्रॉयड के लिए और एक्सटेंशन है क्रोम के लिए। दोस्तों डकडक गो एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत महीनों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र भी है। तो दोस्तों डकडक गो एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है। उम्मीद करता हूँ आपको डकडक गो ब्राउज़र जो है पसंद आएगा अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में या फिर पीसी के में एक्सटेंशन में, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोस्तों ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई भी कमेंट करना हो आपको तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। गुड डे एंड गुड बाय।